दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल से एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी ने सत्येंद्र का दरबार बताया है। बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि जेल सुपरिटेंडेंट रात 8 बजे के बाद सत्येंद्र जैन से मिले थे। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वीडियो को ट्वीट कर लिखा, मीडिया ने जारी किया तिहाड़ का एक और वीडियो। इस बार सत्येंद्र के दरबार में जेल अधीक्षक है, जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। बच्ची से रेप करने वाले से मालिश और नवाबी खाने के बाद अब यह आपकी भ्रष्टाचार चिकित्सा है। लेकिन केजरीवाल जी इसका बचाव करते हैं, क्या अब सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करेंगे? आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा जारी किए गए नए वीडियो में सत्येंद्र जैन की सेल के अंदर कई लोग को दिखाया गया है। उसके बाद जब जेल अधीक्षक आते हैं तो वहाँ मौजूद लोग सेल से बाहर निकल जाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सितंबर महीने का है और जेल अधिकारी अजित कुमार को जैन को कथित वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।